21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक रूप से आधारित बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है। इस शिक्षा नीति को लेकर MNIT जयपुर में बदलते शिक्षा परिवेश में नवाचारों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। चर्चा के दौरान शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने नई शिक्षा नीति में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया। बच्चों को मान लीजिए स्किल एजुकेशन हम देते हैं। दूसरा बात है कि हमारे विद्यालय में जो क्लास 6 से 12 के बच्चे हैं इनको मदर टंग में रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देना शुरू किए हैं। और 21st सेंचुरी स्किल जो है, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो पेडागोजी है, पढ़ाई का इंस्ट्रक्शन देने का जो नया शैली है, हम इसको इम्प्लीमेंट किए हैं। दूसरा बात है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो हम उन बच्चों को हम वो सिखा देते हैं। और एक पहलू है कि हमारे नवोदय विद्यालय में कि NEP 2020 के तहत जो डिजिटल क्लासरूम के लिए पहल शुरू किया था, हमने 2 क्लासरूम कंप्यूटर वाईफाई एनेबल क्लासरूम है, उसके बाद बच्चों को टैबलेट भी दिए हैं कि तक ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे विद्यालय में वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरुआत कर चुके हैं, तो इसके वजह से बच्चे लाभवान होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी ये सभी पॉलिसी टूर फिल्स में फॉलो करेंगे, बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारे यहाँ वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, जिसमें अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में बालवाटिका हमने स्टार्ट किया है। बालवाटिका एज 3+, 4+, 5+ इस तरह 3 सेक्शन प्राइमरी प्री प्राइमरी के स्टार्ट किए हैं, जो कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंडर आता था। और NEP की इम्प्लीमेंटेशन में एडमिशन को लेकर के क्लास 1 में हमने इस साल से पिछले साल से क्लास 1 में 6+ के बच्चे को हम एडमिशन देते हैं, और उससे पहले 5+ के बच्चों को एडमिशन देते थे। जहां ट्रेनिंग की बात है, टीचर्स ट्रेनिंग की, जैसा मैंने कहा कि टीचर्स को कैसे और कंफर्टेबल बनाया जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर के, तो टीचर्स ट्रेनिंग पर NEP में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है, जिसको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इम्प्लीमेंट किया है।